फ्रेंड्स, ऊपर चटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जी, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी करनाल की जो फैमिली है उनका, जिन्होंने अपना सपोर्ट बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। एंड आई होप, फिंगर्स क्रॉस, कि आप लोग आगे भी ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे। हमारे इडली डोसा बैटर को आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, और रिसेंटली हमने लॉन्च की चटनीस, जिनको भी आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हो। तो ऐसे ही प्यार आगे भी बनाए रखना, ताकि हम लोग भी ग्रो करते रहे और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाए। तो जी, आज है हमारे जो इडली डोसा बैटर है उसकी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, और सेलिब्रेशंस बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी जो होती है ना, छोटी छोटी खुशियाँ, उनमें खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपने को करोड़ों रुपये नहीं चाहिए, थोड़ा उसी में बहुत खुश है। तो जी, आज हम आ गए अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने सागर रत्ना। और मेरा पति है ना, बचपन में सागर रत्ना ना डोसा खाने जाता था। बताओ, अच्छा खासा मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है, कुछ और खा लेता है बंदा। कहता नहीं, मैं तो डोसा खाने जाता था, आज भी डोसा ही खाऊंगा। तो चलो देखते हैं कैसा, हमने क्या क्या ऑर्डर किया है और कैसा है इनका टेस्ट, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। आज की स्वाद की गारंटी होगी आपके साथ इंस्टेंट वाली। तो जी, आज के डिनर की शुरुआत हम कर रहे हैं इडली चाट से, और शक्ल से बहुत ही बढ़िया लग रही है चाट। वैसे इसका सब ऊपर का डेकोरेशन हमने गुतड़ गुतड़ कर दिया है। तो जी, इडली चाट को खाते हैं। और खाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अब फ्लफी इडलीज बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहा है ना। जुबान चटोरे का फ्रेश इडली डोसा बैटर जो मिल रहा है यार करनाल में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। जो एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो है, और जो आउटर लेयर पर क्रिस्पीनेस है ना, मज़ेदार। तो जी, अब करते हैं बाकी की चीज़ें, आती हैं धीरे धीरे और आपको बताते हैं। बट ये बहुत ही अमेजिंग है, और जिनको खानी है मैं बहुत जल्द रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो जी, वैसे तो हमने ऑर्डर की है थाली, और जिसमें हमें मिली है रसम, और रसम सानी को इतनी टेस्टी लगी कि थाली अभी साइड में पड़ी है, बंदा उसकी रसम पी चुका है और अपने लिए एक पूरा गिलास ऑर्डर कर लिया है। तो जी, मुझे तो सिर्फ ये रसम मिली है आप लोगों को बताने के लिए, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, फिलहाल जैसे मेरे को भी कोल्ड वगैरह हो रहा है, और आपके घर में अगर वायरल या कोल्ड कुछ भी चल रहा है तो रसम बनाओ, यूट्यूब की वीडियोस देख के बनाओ, बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत जल्दी असर करती है। तो इसलिए ये बंदा पूरा का पूरा खंबा पी रहा है। तो जी, अब करते हैं रसम को टेस्ट। बहुत ही बढ़िया रसम है, और अच्छी थिक है, ऐसा नहीं है कि पतला पानी दे दिया हो। एक बार हमने बहुत पहले एक जगह पर पी किया था, पतला पानी था। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो शेयर करूं रसम कैसे बनानी है क्विक एंड ईजी, मैं वो भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि आजकल हम लोग भी बहुत पी रहे हैं रसम। तो जी, ये था रसम का गिलास, और अब मैं हैंड ओवर कर दूंगी ये सनी को, क्योंकि उसको पीना है। और ये रहा रसम के साथ मिलता है साउथ इंडियन पापड़। तो जी, ये है हमारी थाली, जिसकी रसम को ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है, और बड़ी वाला रसम का गिलास ऑर्डर करके ख़त्म भी बंदा करने ही वाला था, पर रोक लिया मैंने कि पहले थाली का रिव्यू कर लेते हैं। तो जी, थाली में मिले हमें एक पापड़, चार पूड़ी, प्लेन राइस, और उसके बाद शुरू करते हैं यहाँ से। कर्ड मिली है हमें अचार का, ये एज़ यूजुअल रेडीमेड वाला रसम सांभर है, रसम है, ये लोबिया है जो कि साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ, पंजाबी स्टाइल में नहीं है। और ये है दाल, इसके अंदर जो कोकोनट है उसके अच्छे से वो दे रखे हैं, तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होगा, अभी खा के देखेंगे फिर। और ये है आलू गोभी, और ये है रवा केसरी, और हमें मिले हैं लेमन राइस। तो जी, चलिए अब करते हैं टेस्टिंग। रसम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कितनी टेस्टी है इनकी। पहले क्या टेस्ट करें, पहले आलू गोभी, पूड़ी के साथ आलू गोभी, हल्की सी स्पाइसी है, बहुत हल्की सी, और जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है। कोकोनट का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, जो कि अगर आप साउथ इंडियन खाते हो तो उसमें आना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना मज़ा नहीं आता। दाल भी अच्छी है। अब करते हैं लोबिया का टेस्ट। लोबिया वैसे पंजाबी स्टाइल में मेरा फेवरेट है। इसका भी टेस्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है, कोकोनट का इसमें माइल्ड फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ है जी सांभर, सांभर हल्का सा स्वीट नोट पे है, बट अच्छा लग रहा है। और ये है जी हमारे लेमन राइस, बहुत ही बढ़िया। और रवा केसरी को करेंगे बाद में, पहले करते हैं बाकी की थाली एंजॉय।
तो जी यहाँ हमने ऑर्डर किया है जो कि इनका टुडे स्पेशल है डोसा, वो हमने ऑर्डर किया है, और वो हमने ऑर्डर किया है वेज चीज़ डोसा। तो सबसे पहले तो वेजिटेबल्स इसके अंदर ज़बरदस्त वाली होनी चाहिए, तो चलो इसको खोल के देखते हैं। चीज़ भी बहुत ही बढ़िया से लग रहा है, टेस्ट पता नहीं लेकिन वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा है। अब करेंगे इसको टेस्ट, और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ है ना कि बंदा जाता था बचपन में डोसे खाने, तो उसको तब तक शांति नहीं पड़ेगी जब तक वो डोसा नहीं खाएगा। तो खाएगा तो वो बाद में ना, पहले मैं बता दूँ कि रिव्यू है ना कि टेस्ट कैसा है, कि कल को आप लोग आओ तो आप लोगों को क्या क्या ऑर्डर करना है। उससे पहले मैं टेस्ट बताऊँ, इसमें मिली हमें सांभर, ये है जी अनियन और चिली की चटनी, ये कोरिएंडर और ये कोकोनट, ठीक है। अब अगर मैं इस डोसा की बात करूं तो अगर ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी चॉप करके डालते तो बच्चे खा लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ये बच्चे नहीं खाने वाले, क्योंकि इसके अंदर जो है कैप्सिकम वगैरह ये बिल्कुल रॉ है, बहुत कम सिकी हुई है, तो बच्चों को बिल्कुल रॉ फ्लेवर आने वाला है और बच्चों को मज़ा नहीं आने वाला। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। वैसे डोसे का टेस्ट अच्छा है लेकिन ये जो वेजिटेबल्स है ना ये थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया इसमें। बाकी खाना तो है, ठीक है ना, खाना वेस्ट नहीं करते। तो अब मैं करती हूँ इसको एंजॉय और मिलती हूँ आपको डोसा ख़त्म करने के बाद। तो जी यहाँ कर रहे हैं हम टेस्ट हमारी लास्ट आइटम जो कि है थाली में से, और ये है पाइनएप्पल रवा केसरी। अब इससे पहले मैं इसका टेस्ट बताऊँ, शक्ल बहुत ही अच्छी लग रही है, पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस हैं। अब इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसको बनाना है बहुत ही यमी बनता है। रवा केसरी, जो रवा केसरी भी होता है और पाइनएप्पल रवा केसरी होता है, वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाओ जाकर के बनाओ, फैमिली खुश हो जाने वाली है। और आजकल तो पाइनएप्पल भी मिल रहा है, वैसे आजकल सारी चीज़ें 12 महीने ही मिलती हैं। हमारा बचपन होता था है ना कि फ्रूट का वेट किया जाता था, तो कभी भी सब कुछ मिलता है। तो चलो करते हैं इसको टेस्ट। टेस्ट बहुत ही बढ़िया है इसका, और जो पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस आ रहे हैं ना, मस्त फ्लेवर दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख हो रहा है, हैदराबाद की सारी यादें पूरी हो रही हैं लेकिन घी थोड़ा सा कम है हलवे में, जब तक घी ना हो। वहाँ पे हम डालते थे हैदराबाद में उडुपी से, उडुपी चेन बहुत जगह पे है, और वो केले के पत्ते में अच्छे से लपेट के देते थे, और जब तक हम घर आके उसे निकालते थे ना, वो जो घी होता था वो पूरा का पूरा केले के पत्ते से आपके हाथों पे आ जाता है, इतना ज़्यादा घी होता था। अदरवाइज़ सिर्फ एक घी की कमी है, बाकी बहुत ही बढ़िया। और हरियाणा में रह के घी की कमी कैसे हो सकती है, पर यहाँ है कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अब मैं करती हूँ इसे एंजॉय और आपको मिलती हूँ बाहर। तो जी हमने किया बढ़िया वाला डिनर एंजॉय, हालांकि हम दोनों को बहुत मजा आया, लेकिन हमारी बेटी आज उदास थी क्योंकि KFC क्रॉस करके जाना पड़ा मैडम को सागर रत्ना। भैया आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन हम नहीं खाते, हिंदू धर्म और ऐसा कर्म, ओहो है ना। तो जी हमारा डिनर था बहुत ही बढ़िया वाला, और बिल आया करीब करीब 1050। अगर मैं डोसा प्लाजा से कंपेयर करूँ तो थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छी फील आई, अच्छा खाना था, उसके लिए फेयर इनफ। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले हफ्ते एक बहुत ही बढ़िया सी स्वाद की गारंटी के साथ, बढ़िया सी लोकेशन पे। आप लोग आओ और सागर रत्ना जरूर ट्राई करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, फ्रेश इडली डोसा बैटर जरूर ट्राई करना, और चटनी